बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कई की खबरें सामने आई हैं। इसमें से एक है खालिदा जिया को लेकर। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दे दिया है। वह कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद घर में नजर बनती थी। शहाबुद्दीन ने संसद को भंग करने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन करने की भी घोषणा की है। साल 1996 के आम चुनाव पर गौर करें तो इसके अगले दौर में अवामी लीग सत्ता में आई। हालांकि 2001 में खालिदा जिया की पार्टी ने फिर से वापसी में सफलता पाई और सरकार बनाई। खालिदा जिया साल 1991 में 1996 के अलावा 2001 के आम चुनाव में 5 अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी गई हैं। आपको बताते चलें, जिया की मुख्य प्रतिद्वंदी अवामी लीग के नेता शेख हसीना रही हैं, जो भारत के प्रति नरम रुख रखती हैं। 1991 के बाद खालिदा जिया और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाली दो नेता रही हैं। शेख हसीना की कट्टर दुश्मन मानी जाने वाली खालिदा जिया मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। साल 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनका राजनीतिक जीवन का उदय हुआ। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2018 में उन्हें जेल भेज दिया गया था। बता दें कि फिलहाल खालिदा अस्वस्थ हैं, उनके अस्पताल में इलाज करने की खबर है। सेना की ओर से कहा गया कि बांग्लादेश के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। इसके बाद यहां शांति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास जारी है। बता दें कि पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना का इस्तीफा के बाद देश में अलग अलग इलाकों में हिंसा का माहौल बना हुआ है। ढाका में बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर प्रदर्शनकारियों के द्वारा लूटपाट की गई है। सड़कों पर कोई पुलिस नहीं है। यहां तक कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के जवानों को बुला लिया गया है और सड़कों पर केवल सेना के जवान ही तैनात हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।